हमास इसराइल जंग के बीच एक और युद्ध छिड़ता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इस चेतावनी को देखते हुए इसराइल ने शुक्रवार को ईरान या उसके प्रतिनिधियों द्वारा हमला किए जाने की संभावना को लेकर कमर कस ली है। उसने हमले से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल हाल ही में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें दो ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इससे ही ईरान बौखलाया हुआ है और उसने हमले का आरोप इसराइल पर लगाया है। साथ ही उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। भारत, फ्रांस, पोलैंड और रूस सहित देशों ने अपने नागरिकों को इस क्षेत्र की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। गौरतलब है हमास और इसराइल के बीच 7 माह से युद्ध जारी है। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि ईरान से खतरा वास्तविक और व्यवहार्य है। इसराइली सेना ने कहा कि उसने नागरिकों को नए निर्देश जारी किए हैं, हालांकि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मुख्य सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने शुक्रवार को कहा, पिछले एक दिन में सेना ने ईरानी हमले की खबरों और बयानों के बीच स्थिति का आकलन किया और कई परिदृश्यों के लिए योजनाओं को मंजूरी दी। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने उन खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है जिनमें कहा गया है कि कुछ इजरायली राजनयिक मिशनों को आंशिक रूप से खाली कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसराइल के एक बड़े दैनिक अखबार में कहा गया है, बदला लिया जाएगा और अगले कुछ दिनों में ही। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इससे दूतावास का एक खंड पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। वहीं ईरान के 2 शीर्ष सैन्य जनरल और 5 अन्य अधिकारी भी मारे गए थे। इस हमले का ईरान इसराइल पर आरोप लग रहा है। साथ ही उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हालांकि इसराइल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि इसराइल को सजा दी जानी चाहिए। उस पर इसराइली विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर ईरान हमला करता है तो हम कड़ा जवाब देंगे। इसराइल द्वारा काफी दिनों से सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन ताजा हमला अपने आप में पहला है जिसमें ईरानी दूतावास को निशाना बनाया गया। ईरानी दूतावास पर हमले में हिजबुल्ला के लड़ाके भी मारे गए हैं। अब हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला ने बीते शुक्रवार को कहा था कि बेशक ईरान जवाब देगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि हिजबुल्ला इसमें कोई दखल नहीं देगा। इसराइल हमास युद्ध के बीच ईरान द्वारा इसराइल पर हमले की तैयारी से संघर्ष के पश्चिम एशिया के बड़े इलाके में फैलने का डर भी पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।